तो आज हमारे साथ क्लाइंट है, इनका सक्सेसफुली स्टूडेंट डिपेंडेंट स्टूडेंट स्पाउस वीजा और डिपेंडेंट वीजा आया है। कंट्री का नाम है लाटविया, तो ये भी साथ में बैठे हुए हैं, तो इनसे हमारी डिस्कशन रहेगी इनकी जर्नी कैसी रही है। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस यूम मीटिंग में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो थैंक यू सर। नमस्कार कहाँ के रहने वाले, कौन सी स्टेट के? सर, मैं हरियाणा, यमुनानगर हरियाणा का नहीं, रहने यमुना वाला हूँ। नगर हरियाणा। आपकी वाइफ कहाँ पर है? क्या वो लातविया में है सर, उनका क्या स्टेटस है? उन्हें उनका क्या रिसेबल। स्टेटस हाँ उनका स्टेटस जी सर। क्या है उनका स्टेटस क्या है वहां पे लाटविया में? सर वो ठीक है, तो आप जिस कंसल्टेंट के थ्रू अपनी वाइफ को भेजा था उनके थ्रू क्यों नहीं अप्लाई करवाया अपना वीजा फर्दर? सर थोड़ा सा बस उनका ना मिस गाइड थोड़ा, यानी कि बस थोड़ा मेरे को उनकी बातचीत में थोड़ा अपनी, क्योंकि वाइफ का करवाया तो मेरे को पता है मैंने कैसे एक तरह से लगा लो मैं फंस गया, ऐसा मेरे को फूले जैसे मैं फंस गया उनके पास जाके। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कंसल्टेंट कौन है, उसका नाम क्या नहीं है, यही पूछूंगा हाँ जी हाँ मैं जी, ये पूछूंगा कि वो कौन सी सिटी का कंसल्टेंट है। वो सर दिल्ली चंडीगढ़ हाँ से उनका हेड ऑफिस दिल्ली में। समझ गया, मैं समझ गया, इतने से ही मैं इंडिकेशन मुझे मिल गई। तो ऐसा ठीक है है, ठीक है। हाँ ऐसा है कि हमारे थ्रू बहुत सारे बच्चे लाटविया में भी जाते होंगे। हमारा पता कहाँ से चला था हाँ आपका? जी सर, एक्चुअली मेरी वाइफ है वहां पर, उनके ही वहां पे कॉलेज में है लड़का, आपके करनाल ऑफिस से उसने फाइल लगवाई थी। नाम ले रहा हूँ लड़के का, करनाल ठीक है, ऑफिस से लगवाई थी उसने, तो उसने मेरे को रेफरेंस दिया था। ठीक। तो कभी हमारा सोशल मीडिया भी चेक किया? हाँ नहीं, मैंने पहले जब उन्हें रेफरेंस दिया तो मैंने पहले यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे आपका चेक किया, सारा वीडियो वगैरह देख के उसके बाद मैंने कॉल की। तो आप यमुना नगर दिल्ली साथ में है, चंडीगढ़ रास्ते में, हरियाणा रास्ते में, पंजाब में, यहाँ फिजिकली भी ऑफिस में आए थे? हाँ जी सर, एक्चुअली जलंधर में मेरे रिलेटिव रहते हैं तो मैं जलंधर में हेड ऑफिस में मैंने कहा सीधा ही जाता हूँ मैं। मनीष सर से मेरी बात हुई थी तो तो सर ने आप तो कहा नहीं, उनसे जो एक्सपीरियंस रहा, जो हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? सर बिल्कुल डिफरेंस, एक तरह से मैं कहना चाहूंगा। वो ठीक, एक तो उनको पहले कंसल्टेंसी थी, उनको मैं कॉल करके कहता था कि सर ये, और आपकी तरफ से जो मनीष सर वो मेरे को कॉल करके कहता कि सर ये, मतलब जो भी अच्छा बात ठीक मेरे को गाइड करते थे, यानी कि ठीक मेरे को उनको याद रखना पड़ता था, ये सर मेरे को बताते थे कि क्या करना क्या नहीं, तो और एक्यूरेट ऐसा मतलब। हाँ जी ऐसा तो नहीं है कि हम वीडियोस ऐसी बढ़िया शानदार बनाते हैं और काम हमारा बिल्कुल उल्टा है? नहीं, मैंने सर जब कॉल पे सर के साथ, एक्चुअली मेरी फाइल वहां से थी थोड़ी आधी अधूरी थी, तो सारी की सारी मनीष सर को जब मैंने अपनी मेल भेजी उन्होंने मेरे को बताया सब कुछ, तो फिर मैं, क्योंकि मैंने एक दो आपसे पहले एक दो पहले भी मैंने किया था, तो लेकिन उनसे ही पता लग जाता कि क्या इनको इनको मतलब नॉलेज नहीं है। जब नहीं, मनीष सर से बात हुई तो पर मैं समझ गया कि मैं, कहा ये नॉलेज वाले बंदे हैं। तो ये देखिए कि मैं पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ कि इनकी वाइफ वहां पर है लाटविया में, उन्हें स्टूडेंट वीजा के ऊपर, तो इनका अभी स्पाउस का वीजा आया है, साथ में बच्चे का भी आया है। हाँ, जी बच्चे का भी सर, 2 ईयर की मेरी डॉटर है तो उनका भी आया है। तो कब ट्रेवल कर रहे हैं? 3 सर, मेरी 3 तारीख को फ्लाइट है। 3 तारीख को फ्लाइट एंड की। तो ये देखिए कि जी इन्होंने पहले भी किसी कंसल्टेंट की सर्विस हायर की थी, नहीं सेटिस्फाई हुए, उसके बाद इन्होंने सारा केस हमें दिया, तो इनको प्रॉपर सर्विस दी गई। जमुना नगर के रहने वाले हैं, इवन अगर आपने लाटविया में अभी स्पाउस के साथ भी जाना है तो ये एक कंट्री और हम एड ऑन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो यहाँ पर भी आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। तो इसके अंदर लेकिन पेशेंस बहुत चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल सर, मेरा इनविटेशन है 2000 अपना दिसंबर में मेरे को इनविटेशन मिल गया था, फरवरी में मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो तो उसके फरवरी बाद का हाँ फिर रेजिडेंसीज अप्लाई करते हैं, वो भी 2 महीने, 2 से 3 महीने का जी हाँ लेते जी, हैं वो रेजिडेंसी। 6 मंथ सर, 6 मंथ कम से कम, 6 मंथ। हाँ, उसके बाद रेजिडेंसी अप्रूव्ड होकर आती है, फिर वो वीजा स्टैंपिंग कर देते हैं विद इन ए वीक। यस, सिर्फ 10 डेज भी नहीं, आपस आठ 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 दिन में सर मेरा वीजा आ गया। मेरी ठीक। तो ट्रैवल डेट 21 तारीख से है, बट उन्होंने मेरे को वीजा 15 तारीख को ही अप्रूव कर दिया। चलो बढ़िया,
तो ऐसा है कि मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूंगा कि जिन्होंने लाटविया जाना है तो हमारी लाटविया से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस हैं, दो प्लेलिस्ट हैं, स्टडी इन लाटविया और सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया, दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। लाटविया से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी टेक्निकल क्वेरी है, क्योंकि अक्टूबर इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुका है, आपका एडमिशन रिजेक्टेड है, आपका वीजा लाटविया का रिजेक्टेड है, फर्दर क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, लाटविया ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, अपने पेरेंट्स को वहां पर, अपने सिबलिंग्स को, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को वहां पर बुलवाना है, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी कंप्लीट हेल्प कर सकती है। हम लाटविया को ही नहीं प्रमोट करते हैं, हमारे पास शेंगन की 29 कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री के ऊपर हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें। तो सर फिर अगर बाई चांस वीजा ना आता तो तब किसके ऊपर ब्लेम होता? सर ने मेरे को नहीं, जहां तक लगता था मैं को, जब सर से मेरी बात हुई तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था नहीं, फिर भी या अगर उसके रिजेक्शन साथ। होती तो कब आप रिजेक्शन होती तो आप कहते कि यार एजेंट बना है। सर मैं इसके चलो बारे एनी हो, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप कितने महीने हमारे साथ ये सर्विस ली आपने, कितने महीने हमारे साथ जुड़े हुए हो चुका है? मैंने 30 जनवरी को एनरोल हुआ था, जबकि मेरी 6 तारीख को अपॉइंटमेंट थी, मैं 3 तारीख को एनरोल होया था, तो यानी कि देखिए, लास्ट टाइम पे। आज 20 अप्रैल हो चुकी है, तो अब आपकी 3 महीने की जर्नी हमारे साथ कैसी रही? हाँ जी सर, बहुत बहुत, मैं तो आगे भी रेफ की करूंगा कि आपसे यहाँ से करवाएं। ठीक, तो सबसे बहुत सबसे सबसे अच्छा एक्यूरेट नॉलेज, एक्यूरेट गाइड, सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया वो ही है, क्योंकि क्योंकि और हम हर एक चीज को पढ़ते हैं, हवा में कोई चीज नहीं है, जो एम्बेसीज के पैरामीटर्स हैं उसको, पैरामीटर्स को किस वे से आपने प्रेजेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा है कि एम्बेसी ने तो चेकलिस्ट दी है, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अपने अपना माइंड कैसे यूज करना है, कि आपने अपनी फाइल को कैसे प्रेजेंट करना है, और उसके अलावा हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ओवरऑल फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक रहा? सर बिल्कुल 100%, चलो थैंक यू। 100% चलो सेटिस्फाइड। कल आपके पेरेंट्स ने भी लाटविया आना हो तो हमें जरूर बताइए, तो उनके भी हम जरूर हेल्प करेंगे। जरूर थैंक यू सर, बहुत जी बढ़िया सर, लगा। थैंक ओके यू, धन्यवाद। सर, थैंक यू।